हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आप प्रोकैरियोटिक सेल से पहले यूकैरियोटिक सेल जरूर पढ़ें, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल पढ़ने के बाद में आपको प्रोकैरियोटिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है यूकैरियोटिक सेल का, उसके बाद देखने के बाद आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ें। अब हम बात करेंगे आज प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आते हैं, क्या हैं, जैसे आपने कई सारे एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कहते हैं वॉललेस बैक्टीरिया, क्योंकि इनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है पीपीएलओ, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है, हम प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं। तो इसमें दो टर्म हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। द सेल विच इज हैविंग द प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन, यदि हम हिंदी में बोलें तो कहेंगे जिस सेल में प्राचीन केंद्रक होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्राचीन केंद्रक से हम क्या समझते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे न्यूक्लियस जिसमें कि जो कि वेल डिफाइंड नहीं होते, वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट दे आर नॉट हैविंग, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या हम कहें तो जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, नेकेड एंड नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में बेसिकली डिफरेंस यही है कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हम यदि हम कंपेयर करें, यदि हम इस प्रोकैरियोटिक सेल को कंपेयर करें तो उसमें देखा जाए तो क्या देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है आकार में बड़ी होती है, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल आकार में कैसी होगी, छोटी होती है। सो दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक एंड देन आल्सो दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, मोर फास्टर, बहुत तेजी से ये गुणन करते हैं, तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए क्या लिखा है, दे आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। आपने देखा होगा इकोलाई के बारे में सुना होगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरिया 20 मिनट में एक से दो डबल हो जाता है, इसका मतलब इनकी जो रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, रेट ऑफ डिवीजन है, वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होती है, फास्टर होती है। नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरिया डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें लिखा है कि इन ऑल्दो दे आर हैविंग फंडामेंटली दे आर हैविंग द सिमिलर एस्पेक्ट्स, सब कुछ लगभग सेम रहता है, इवन दो दे आर हैविंग डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप। ये हमने एग्जाम्पल आपकी चर्चा कर ही ली है। अब हम बात कर रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ वन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में देर आर थ्री लेयर्स, तीन परतें हैं, कौन कौन सी हैं, पहला है आपका ग्लाइकोलिक्स, सेकेंड है सेल वॉल, तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इनकी हम स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शन की हम बात करें तो सबके स्ट्रक्चर सबके फंक्शन अलग अलग हैं, बट ये तीनों मिलकर के एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, एकल रक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं। तो केमिकली देखा जाए तो ये डिफरेंट है, इनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन ये मिलकर के सेल इन्वेलप या सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह कार्य करते हैं, इनका कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्या है आपका, सरफेस स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा सेल इन्वेलप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लें। सेल इन्वेलप में तीन लेयर्स हैं, पहली लेयर कौन सी है, ग्लाइकोलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो कि किसको घेरे हुए है, सेल वाल को, और सेल वाल किसको घेरे हुए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो हम देखा जाए कि सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोलिक्स, देन सेल वाल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है आपका, वो है सरफेस स्ट्रक्चर।
सरफेस स्ट्रक्चर, कुछ सरफेस पर इनकी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इनकी सतह पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सरफेस स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है, फिर से तीन संरचनाएं हैं, और ज़रूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया में ये संरचनाएं हो ही, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग संरचनाएं होती हैं। हम एक आपको एक जनरल व्यू दे रहे हैं। तो सरफेस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लैजिलम, जिसे कहते हैं कशाबिका। फ्लैजिलम और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, फ्लैजिलम एक होता है, फ्लैजिला कई सारे होते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल का। अब जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला होगा ना, तो क्या करेगा वो, मोटिलिटी, मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली फ्लैजिला किसके लिए होते हैं, सेल मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए है। नेक्स्ट सरफेस स्ट्रक्चर है उसका नाम है फिम्ब्री। फिम्ब्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको ये सीधा सीधा याद करना है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। हम ब्रश करते हैं तो उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, दीज आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, और हम देखें विच आर स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम द सेल वाल, किससे निकल के बाहर आ रही है, सेल वाल से। तो ये आपका सेकेंड आस्पेक्ट हो गया सरफेस स्ट्रक्चर का, फिम्ब्री। तो फिम्ब्री में क्या रखना है, सिंपल सा ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। तीसरा सरफेस स्ट्रक्चर है वो है सेक्स फ्लाई, दिस इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, इनके बारे में हम चर्चा डिटेल में बाद में करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि सरफेस स्ट्रक्चर तीन तरह के हैं, पहला हमने देखा फ्लैजिलम जो कि सेल को मूवमेंट करवाएगा, दूसरा है फिम्ब्री, फिम्ब्री बेसल लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली दे आर फॉर फिम्ब्री होते हैं अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट कहाँ करना है, रॉक इन स्ट्रीम एंड होस्ट टिश्यूज, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये सेक्स फ्लाई दे आर प्रेजेंट वेयर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें देखा जाए कि ड्यूरिंग मैटिंग, जब बैक्टीरिया मैटिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपका सेक्स फ्लाई दे विल हेल्प इन द मैटिंग, और मैटिंग के बाद में दे ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। तो जो प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं कंजुगेशन, संयुग्मन। तो ये सेक्स फ्लाई हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग मैटिंग दे हेल्प इन कंजुगेशन प्रोसेस, कहाँ हेल्प करते हैं, संयुग्मन प्रोसेस में। अब हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि तीनों ही सरफेस स्ट्रक्चर हैं लेकिन मोटिलिटी में केवल और केवल फ्लैजिला का ही रोल रहेगा। इसका मतलब हम यहाँ देखें तो मोटिलिटी में फिम्ब्री एंड फ्लाई, इनका कोई भी रोल नहीं होता है, केवल और केवल फ्लैजिला का रोल होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम अंदर जाएंगे, दिस इज द पोर्शन व्हाट वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। साइटो मींस सेल, प्लाज्म मींस फ्लूइड। द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब हम देखा जाए तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो जो भी चीज़ें हैं सब कहाँ पड़ी हुई हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर हम गए तो सबसे पहले हम जीनोमिक डीएनए की हम बात कर लेते हैं। इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है वो डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए क्यों कहा, क्योंकि इट इज नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक और चीज बात है कि इनमें इनकी डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना यूकैरियोटिक करेक्टर है, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, इनमें केवल और केवल डीएनए होता है। इसी को हम जीनोफोर बोलते हैं, इन्हीं को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब अंतर्वलन होता है, इनफोल्डिंग होती है, उसके कारण मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है। मीजोसोम को हम बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होती नहीं है, तो यहाँ पर जो एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो मीजोसोम के द्वारा होते हैं। और मीजोसोम दे आर प्रेजेंट वेयर इन
जनरली दे आर प्रेजेंट वेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन ये आता है, ये केवल ग्राम पॉजिटिव में होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या है, मीजोसोम किसके पार्ट हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट हैं, तो इसमें जो भी काम होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। तो इस तरीके से हमने मीजोसोम और सारे काम करते हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखें, इसमें स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री और इसी को बोलते हैं सेलुलर फैक्ट्री। आप एक चीज दिमाग में रख लें, जहां कहीं भी आपको राइबोसोम दिखाई दे इसका मतलब वहां प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो इसलिए राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और सेलुलर फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, और इनको पैलेडे ग्रैनुल्स भी कहा जाता है। पैलेडे साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने इसको खोजा था, इसलिए नाम रख दिया पैलेडे ग्रैनुल्स, पैलेडे कण। तो राइबोसोम इस बैक्टीरियल सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कुछ राइबोसोम तो यहाँ फ्रीली अवेलेबल हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। दूसरे कुछ राइबोसोम अटैच्ड हैं, किससे अटैच्ड हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम दो जगह पाए जाएंगे, एक तो साइटोप्लाज्म में, दूसरा दे आर अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, राइबोसोम तो दोनों ही है, अभी हमने आपको बताया जहाँ राइबोसोम है वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होना होगा। अब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, तो इन दोनों की प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? तो ये जो प्रोटीन बनाएंगे वो सेल के अंदर काम आएगी, विच इज यूटिलाइज वेयर और यूज वेयर इन इनसाइड द सेल। और ये जो प्रोटीन बनाएंगे, दिस प्रोटीन वुड बी, क्या बोलेंगे इसको, सीक्रेटरी प्रोटीन। क्या बोलेंगे, सीक्रेटरी प्रोटीन, सीक्रेटरी मीन स्त्रावी प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और ये जो सेल, ये कहाँ काम आएगी, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, कहीं भी प्रोटीन चाहिए हो वो फ्री राइबोसोम बनाएंगे। राइबोसोम की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म और आ रहा है, पॉली राइबोसोम। पॉली मीन्स मैनी, राइबोसोम, वेन द मैनी राइबोसोम, दीज आर राइबोसोम यूनिट्स अटैच विद द mRNA। सो राइबोसोम अटैच विद द स्ट्रिंग ऑफ द mRNA एंड दे फॉर्म पॉली मीन्स मैनी राइबोसोम अटैच विद द mRNA इज कॉल्ड पॉली राइबोसोम, आल्सो नोन एज पॉलीजोम, इसी को अर्गेजोम भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये अटैचमेंट जो है डिफरेंट यूनिट राइबोसोम की तभी होती है जब प्रोटीन का सिंथेसिस करना हो। उस टाइम पे क्या होता है, ये ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा mRNA से ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये सभी चर्चाएं आपके 12th क्लास में आएंगी, तब और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लाज्मिड। हमने क्या देखा, यहाँ पर DNA है, जीनोमिक DNA। जीनोमिक DNA के अलावा कुछ बैक्टीरिया में छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा DNA होता है, वो भी कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। ये और कैसा होता है, सर्कुलर। DNA होता है वृत्ताकार, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो जीनोमिक DNA और प्लाज्मिड DNA कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे? जो छोटा सा है वो क्या है, प्लाज्मिड DNA, बाकी को और कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर DNA है। तो यही देखना है, छोटा सा है तो प्लाज्मिड है, बड़ा है तो जीनोमिक DNA। अमूमन कुछ ही बैक्टीरिया है जिनमें प्लाज्मा DNA पाया जाता है। अब प्लाज्मा DNA क्या करता है, इट प्रोवाइड टू द बैक्टीरियम यूनिक, इट कन्फर और प्रोवाइड यूनिक फीनोटिपिक करेक्टर्स। अब फीनोटिपिक करेक्टर में क्या है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि वो रेजिस्टेंस शो करते हैं एंटीबायोटिक के प्रति, तो उनमें क्या होगा, एग्जाम्पल उन्होंने क्या है, दे आर शोइंग व्हाट, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, दिस इज वन ऑफ द यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर। इसके अलावा प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं टू मॉनिटर व्हाट, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे हमने देखा कि ये ऐसे, और दूसरा क्या देखा अपन ने, दूसरा हमने देखा कि दे आल्सो मॉनिटर वेयर, मॉनिटरिंग करते हैं कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, फॉरेन DNA को प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं, rDNA बनाते हैं, फिर इसको इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो इसमें क्या है, मॉनिटर करते हैं किसको, मॉनिटर तो कर रहे हैं, किसको मॉनिटर कर रहे हैं हम, फॉरेन DNA को, कि फॉरेन DNA हम बैक्टीरिया के अंदर
कैसे जाएगा, तो प्लाज्मिड के माध्यम से ही जाता है, और जब अंदर चला जाता है तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, इसलिए प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने देखा जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। अब हम चर्चा करते हैं कुछ बॉडीज हैं जिन्हें कहते हैं इंक्लूजन बॉडी या अवशिष्ट का है। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये कैसे हो गए मेम्ब्रेन। एंड दे आर फाउंड फ्रीली लाई वेयर इन, कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं मेम्ब्रेन लेस, और ये आपका कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या करते हैं, रिजर्व मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है रिजर्व मटेरियल, उसको स्टोर करते हैं। अब कैसे, इनके तमाम सारे नाम दे रखे हैं। से फॉर एग्जांपल हम बात करें फास्फेट ग्रेन्यूल्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। फास्फेट ग्रेन्यूल्स फास्फेट को स्टोर करेगा। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स साइनोफाइसिन को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे। सल्फर ग्रेन्यूल्स सल्फर को स्टोर करेंगे। इसी तरीके से एक और है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, ये भी वन ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट का है गैस बैक्यूल सैनी बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पानी में हैं उनमें गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। तो गैस वैक्यूल में गैस भर जाएगी, और गैस भरने से क्या हल्के हो जाएंगे, तो पानी के ऊपर आ जाएंगे, जिससे क्या करेंगे वो फ्लोटिंग या तैरना या उत्प्लावकता। तो ये किसके लिए है आपका, फ्लोटिंग के लिए है, जिसे कहते हैं उत्प्लावकता। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हमने देखी बैक्टीरिया की, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं क्या हैं। तो ज़रूर नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में ये सब चीज़ें हों, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें यहाँ पर कुछ दूसरा स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, कुछ मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लैमली या बोलते हैं क्रोमैटोफोर, इनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या है, पिगमेंट्स होते हैं। अब क्रोमेटोफोर कहाँ पाए जाते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल होगा तो क्या करेंगे, ये फोटो सिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करेंगे, ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं जो विभिन्न विभिन्न बैक्टीरिया में पाई जाती हैं।